तो अभी टाइम हो रहा है 10:35 और आज जो है मेरा रिजल्ट है। मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ, मुझे लगता है मतलब बहुत ज़्यादा डर नहीं है, इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। और तकरीबन जो है 25 मिनट्स बाद मेरा रिज़ल्ट है। मम्मा पापा मुझे नीचे बुला रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं ऊपर से ही रिज़ल्ट देख के नीचे चली जाऊँगी, मगर वो मुझे नीचे बुला रहे हैं, आओ और हमारे सामने रिज़ल्ट देखो। तो अभी जो है मैं नीचे जाती हूँ। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा, मगर मुझे लगता है कि ठीक होगा। और मैंने जो है अपनी रोल नंबर स्लिप भी ले ली है। रोल नंबर मुझे याद है, मगर आपको पता है ना एक डर होता है कि गलती ना हो जाए, किसी और का नंबर रोल नंबर डाल दिया तो गलत आ गया। तो फिर तो अपना रोल नंबर देख के इसलिए मैंने अपनी स्लिप भी ले लिया। अब नीचे चलते हैं। तो जब मैं नीचे आई, मैंने देखा कि पापा मेरे रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मगर उनको कोई ज़रूरी काम से कहीं जाना था तो वो उसके लिए चले गए थे और बाद में रिज़ल्ट आया था। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है हैदर और फरिया गए हैं स्कूल, और मैं और ज़ोआ भी घर हैं, और आज ज़ोआ का रिज़ल्ट भी आना है। और अभी पापा जाने लगे हैं, तो मैंने कहा था हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है वो ख़राब हो गया, मतलब उसमें वो हीट नहीं दे रहा। हमने उसको बहुत ट्राई किया कि वो ठीक हो रहा है, पर वो ठीक नहीं हुआ, वो हीट नहीं दे रहा। तो उसको अभी पापा की गाड़ी में रखते हैं। पापा कह रहे हैं कि मैं उसको ठीक करा के ले आऊँगा। और हैदर का जो स्कूल बैग है उसकी भी जिप ख़राब हुई हुई है, उसको भी ठीक कराना है, क्योंकि उसने नया लिया था और नया का नया ऐसे ही पड़ा, पहले एक महीने पहले स्कूल लेके गया था तो सारा ख़राब हो गया, फिर जिप फट गई। तो ये है माइक्रोवेव, अब इसको देखे जाते हैं, ख़राब हो गया तो इसको ठीक करवाते हैं। तो ये है इधर के बैग, जिस चीज़ें भी ये देखे ख़राब हो गई है, इधर से इसको भी ठीक कराएंगे यार पापा। तो अभी पापा जो है चले गए हैं और मैं गेट बंद कर रहा हूँ। पापा अभी गए हैं, पता नहीं शाम को शायद आएंगे। और हैदर और फरिया को भी आज स्कूल लेने जाना है हमने। अभी जो है 10 मिनट रह गए हैं सिर्फ ज़ोआ के रिज़ल्ट में। ज़ोआ अभी मौत और ज़िंदगी के बीच में खड़ी हुई है। अब रिज़ल्ट ही बताएगा कि ज़ोआ भी कहाँ जाएंगी। सच सच बताओ, कौन सा पेपर गलत हुआ था? मैथ्स। ओ मैं बीमार थी ना तब, इसलिए गलत हुआ था। हम सब याद है बुखार हुए हुए थे हमें। तो बुखार हुए हुए थे तो क्या मतलब पेपर नहीं देने था आपने? हैं तो मैं तैयारी नहीं कर सकती थी। आपके अबू से फीस दें आप लोगों की, बीमार हो आप मतलब पेपर नहीं देंगे? मैं दे के आई थी, ये बात मुझे सही क्यों नहीं दिया? सही दिया, चलो जाओ। इन्होंने सही पेपर नहीं दिया, मुझे पता है कि सारे नहीं अच्छे हुए। अभी जो है पूरा एक मिनट रह गया है और मुझे अब टेंशन होना स्टार्ट हो गई है। वेबसाइट खोल लेती हूँ, थोड़ा मुझे डर लग रहा है अब। ठीक है, पूरा एक मिनट रह गया और शामिर कहीं बाहर गया था, वो अभी अभी ऊपर आया। जल्दी हो गया ना बहुत ज्यादा तुम्हें भी? क्या हुआ है? मुझसे ज्यादा जल्दी हो गया है रिजल्ट। क्या आ गया, पूरा टाइम हो चुका है 11। पकड़ो इसे, अब अपना काम संभालो। बहुत मुश्किल से आए ऊपर। क्या सीन है? ये तो बात है। अगर गंदा आया मैं पापा को सीधा फोन करूंगा, अगर सही आया तो फिर बैठ जाऊंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मम्मा जी आ गए। ये क्यों हुआ? 84 मार्क्स का ना जरा। 884 या अल्लाह, 500 ले आता। कितने में से? 1100 में से। ओ फिर कम है, फिर कम है, फिर कम नहीं, कम है। 884 क्यों नहीं आए? 885 क्यों नहीं आए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि जो मेरा मैथ का पेपर था ना वो मैंने लास्ट रात पे तैयारी की थी, क्योंकि हम सब बीमार हो गए थे उस टाइम पे। ईद के बाद हम लोग बीमार हुए थे और जो पेपर था ना वो ईद के बाद ही, उन्होंने 10 डेज की छुट्टियाँ दी थी और ईद के बाद पेपर था। लास्ट नाइट पर मेरी तैयारी की थी और पहले दो और आखिरी वाला फिज़िक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और मैथ का पेपर ना मुझे डर था, बहुत अजीब मतलब हुआ था।
मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने 850 में एक्सपेक्टेशंस रखी थी। बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। रात को सारी हमने दुआएं दी थी। हाँ, हैदर और मैंने दुआ की थी, वरना तो ये फेल। और वो दुआ क्यों की थी वो भी बताओ। इनका इनका एक सीक्रेट है मेरे पास। अब मैंने उससे डरा सकती हूँ कि ऐसा। अच्छा पहले जाओ ना बर्गर बनाओ, जो जिस पे बात हुई थी, दुआ करो कि बर्गर बनाऊंगी। अभी पहले लॉबी शॉट हो यार, पापा को तो फोन कर लूं। हेलो पापा जी, रिजल्ट आ गया। अब गेस करो कितने आए होंगे 1100 में से। आए होंगे पूरे 6-7 तो आ गए होंगे। पापा आपने मुझे बहुत ही नीचे समझ लिया। वैसे कितने आए हैं? 884। अच्छा चलो, अच्छे नंबर आ गए ना। हाँ जी अच्छे हैं, आपने तो 6-7 में बचा दिए। तो जो मेरा रिजल्ट आया है मैं उसके लिए खुश हूँ। थोड़ा सा अगर मैं ठीक होती ना उस दिन तो मैं अच्छी तैयारी से अच्छा पेपर दे के 900 में तकरीबन चली जाती, मगर क्या कर सकते हैं, पूरे साल आपको आप बीमार नहीं हुए मगर उस दिन पे हो गए। बस अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। और अब जो है खुशी तो मुझे है और सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। और अब जो है मैं फूफो के घर जाती हूँ, उन्हें भी अपना रिज़ल्ट बता के आती हूँ, क्योंकि जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो फूफो आती थी, वो मेरे पेंस पे सूर कलम और सब पढ़ के देती थी, मुझे दुआएं देती थी। और अब मैं उनके घर जाके उन्हें रिज़ल्ट बता के आती हूँ। तो अभी हैदर और फरिया स्कूल में आऊँ, उन्होंने ना मेरे लिए दुआ की थी कि अच्छा होगा और इस तरह ना, तो मुझे हैदर और फरिया के लिए कुछ स्पेशल बनाना भी पड़ेगा। तो आज मैं सोचती हूँ कि अभी उन्हें क्या बना के दूँ। वो आएंगे तो उनसे पूछ के ही बनाऊँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दुआएँ की थी। और वो हैदर रात को मुझे कह रहा था मैंने दुआ की है याद रखना, मैंने कहा हाँ हाँ याद है, तो अब बनाना पड़ेगा कुछ। तो अभी जो है 1 बज चुका है आज से हैदर और फरिया की। अब इनके स्कूल की टाइमिंग जो है 1:00 हो गई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हैदर फरिया को लेने। शमीर को अंदाज़ा है कि बड़ी बहन ने आगे बैठना है इसलिए पीछे बैठता है ना। शमीर थैंक यू सो मच। इज्जत अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, इज्जत करनी चाहिए। तो अभी जो है हम स्कूल के पास पहुँच चुके हैं और हैदर को ना अभी हम लोग प्रैंक करेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, और मैं हैदर से कहूँगी तेरी दुआ कबूल नहीं हुई तो मैं फेल हो गई हूँ, ठीक है? तो इस तरह का कुछ करते हैं। और बस अभी वो लोग सामने ही होंगे, अब वहाँ चलते हैं। तुम लोगों की दुआएं जो है ना उल्टी सीधी दुआएं करते हैं। पता कितने मार्क्स आए हैं? 456 कर गई है। 456 तुम्हें लगता है तो हमसे प्रैंक कर सकते हो, आपको ये लग रहा है? 884 हमारे लिए क्या है भाई, कांग्रेचुलेशंस माशाल्लाह। 884 मार्क्स आए। अच्छा हो गया, क्या मिलेगा हमें जो हमने दुआएं की थी, जो कहा था कि मैं ये मंगवाऊंगी ये मंगवाऊंगी, बताओ क्या? जल्दी बोलो यार। एक सेकंड इधर क्या खाना है हमने ये तो बता यार मुझे। घर में कुकीज ना बनाना। नहीं बिल्कुल नहीं, घर में नहीं कुछ कुछ मीठा नहीं खाना यार। बर्गर हो जाए तो चल जाएगा। हां बर्गर हो जाए चल जाएगा। ओ साम साहब की तरफ से कांग्रेचुलेशंस हैदर। क्या कांग्रेचुलेशंस घर जाके अभी होती है अभी बस मान लो ठीक है चलो। हां कांग्रेचुलेशंस हो गया हमें हमारी चाहिए भाई। कांग्रेचुलेशंस था। अच्छा थैंक यू हैदर। तो अभी टाइम हो रहे 2 बज रहे हैं और हैदर अभी स्कूल से आया, ऊपर कपड़े चेंज करने गया है, और अभी टाइम हो गया रोटी खाने का। आज मामा ने बनाई है दाल और मुंह में पानी आ रहा है, मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने 3 कपकेक भी खाए हैं, फिर भी भूख लग रही है। मैं पता नहीं कैसा इंसान, आज उसको टेस्ट करते हैं। टेन आउट ऑफ टेन। रोटी किसने बनाई है? 5 मांगे हैं किसी ने, बोल रहे किसी ने बताओ अपने से। 5 तो अभी जो है मामा ने खाना भी बना लिया, आज हमारे घर दाल पकी है और दाल काफी ज्यादा अच्छी लगती है ये वाली। मैं सबको दाल खाने में पसंद है, ब्लैक वाली नहीं येलो। येलो आज तो जोहा पे के जो है वो मार्क्स अच्छे हैं, इसकी बहुत खुशी है, मुझे दिल से खुशी है। अच्छा माशाल्लाह पहली बार दिल से खुशी है। तो क्या हमारे लिए क्या होगा, मतलब रात को कुछ स्पेशल होना चाहिए।
देखते हैं बर्गर पिज्जा देखते हैं हमसे दुआ करा कर आके रात को हमें ब्लैक मेल करके दुआ करा के इतना आसान नहीं जाऊंगी खिलाऊंगी कोई मैं इंकार कर रही हूँ किसी चीज़ से इंकार कर भी नहीं सकती कर भी नहीं सकती हम करने नहीं देंगे ठीक है ठीक है तो जब पापा घर आए उन्होंने मुझसे पूछा था कि इस रिज़ल्ट के लिए मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट आया तो क्या चाहिए तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा और मैंने कहा कि हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं और सब ये सब भी खुश हो गए थे मेरी वजह से इनकी भी पार्टी हो रही थी और मैं यही बात कहूँगी कि जब आप कुछ अचीव करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का होता है और यही जो हम उन्हें खुशी दे सकते हैं वो यही है कि जो वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं हम अपनी पढ़ाई में अगर अच्छा कर लेंगे तो उन लोगों को भी खुशी होगी और तो हम इसके अलावा और कोई उन्हें रिवॉर्ड नहीं दे सकते वो लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा करते हैं और अगर हम रिटर्न में अपनी पढ़ाई अच्छी कर लें तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए और कोई भी नहीं होती तो अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं दिन जो था वो शुरू हुआ था थोड़े स्ट्रेस से मगर एंड में खुशी हुई और अपने पेरेंट्स की खुशी देख के वैसे ही आप खुश हो जाते हैं और बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।